नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, इस 15 अगस्त के अवसर पर मैं ये कविता उन पत्नियों को समर्पित करना चाहती हूँ जिनके पति देश की रक्षा करते करते शहीद हो गए। इनमें कितनी ऐसी भी हैं जिनके हाथों की मेहंदी की लाली भी अभी फीकी नहीं हुई थी कि पति की शहादत की खबर आ गई। उनके मन की पीड़ा को ही मैंने इस कविता कौन पुकारेगा मुझको में व्यक्त किया है। तो आइए सुनते हैं कविता कौन पुकारेगा मुझको। कौन पुकारेगा मुझको, कौन पुकारेगा मुझको, तुम यूं जो सो गए बिन कुछ बोले ही जाने कहां खो गए। अभी तो मेहंदी की लाली भी नहीं छूटी, अभी तो मेहंदी की लाली भी नहीं छूटी, अभी तो ठीक से देखा भी नहीं तुमको, अभी तो माथे से घूंघट सरका भी न था कि एक सन्नाटा देकर मुझको जाने कहां खो गए। अब कौन पुकारेगा मुझको, तुम यूं जो सो गए। जो सपने देखे थे मधुमास के हमने, जो सपने देखे थे मधुमास के हमने, जो बंधी थी रिश्तों की एक गठरी, अभी तो शहनाई की धुन भी मंद न हुई, अभी तो बंधन बंधा था 7 जन्मों का, तुम क्यों उसको निभा न पाए। ऐसे सोए कि फिर न उठे, बोलो अब कौन पुकारेगा मुझको, तुम यूं जो सो गए। गए थे कहकर आऊंगा, गए थे कहकर आऊंगा, आए ऐसे कि फिर न मिले, नैन बरसे और लब हंसिले। उठो आंखें खोलो, मौन हो क्यों, कुछ तो बोलो, ये खामोशी सह न पाऊंगी। जा रहे हो तो बताते जाओ जीवन कैसे बिताऊंगी, अब कौन पुकारेगा मुझको, तुम यूं जो सो गए, तुम यूं जो सो गए। धन्यवाद दोस्तों।